हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनरल आशीष में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा राजस्थान पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2021 का एक नोटिस जारी हुआ है, जिसमें काफ़ी सारी बातें बताई गई हैं कि आपका एडमिट कार्ड कब तक आएगा। इसके अलावा जो है 23 और 24 अक्टूबर को आपकी एग्जाम होने वाली है, तो कितने चरण में होगी, टाइमिंग क्या रहेगा, यानी विस्तृत विवरण आया है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो पैसेंस बना के वीडियो को एंड तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमें डेट तो पहले ही बता दी गई थी कि आपकी जो एग्जाम है पटवार सीधी भर्ती परीक्षा की, वो 23 और 24 अक्टूबर को होने वाली है, लेकिन इतना नहीं पता था कि भाई इन चरणों में होगी और इसके अलावा जो है यहाँ पर टाइमिंग ये रहेगा। तो अभी टाइमिंग भी बता दिया है। तो यहाँ पर 23 तारीख को आपका पहला पेपर होगा, प्रथम चरण है आपका, मतलब उसी दिन पहला पेपर होगा और सुबह होगा ये पेपर 8:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि टाइमिंग जल्दी है, क्योंकि एक दिन पहले ही सेंटर पे पहुंचना पड़ेगा। आप सभी को पता है कि चाहे पटवार हो, चाहे एसआई हो, चाहे आरएस हो, यहां पर सेंटर बाहर ही आने वाला है। तो जब बाहर सेंटर आने वाला है तो आपको या तो थोड़ा लेट देना चाहिए या थोड़ा मतलब कि कोई व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि टाइमिंग थोड़ा ठीक नहीं है। बाकी दे दिया है तो अब देना पड़ेगा पेपर। 8:30 से 11:30 बजे के बीच में है पेपर। तो यहां पर 23 तारीख को है प्रथम चरण। द्वितीय चरण की बात करें तो उसी दिन दूसरी शिफ्ट का जो पेपर है वो आपका जो है 2:30 बजे से लेकर 5:30 तक है। तो ये फिर भी ठीक है कि भाई 2:30 बजे से लेकर 5:30 तक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3-3 घंटे के आपके पेपर होंगे। ये बिल्कुल सही है, पटवार में 150 क्वेश्चन आते हैं और 3-3 घंटे के आपके पेपर होंगे। तो 6 घंटे को मैनेज करना, बीच में गैप देना, वो भी ठीक है चलो। तो यहाँ पर वापस से बता देता हूँ, 3 घंटे का पेपर है प्रथम चरण में 23 अक्टूबर को सुबह 8:30 से 11:30 तक। उसके बाद में द्वितीय पारी वालों का पेपर होगा 2:30 बजे से 5:30 तक। अब हम बात कर लेते हैं 24 तारीख की, यानी 24 अक्टूबर को तृतीय चरण की बात करें हम, तो यहाँ पर जो आपका पेपर होने वाला है वो भी सुबह 8:30 से 11:30, यानी 24 तारीख को सुबह 8:30 से 11:30, वही लास्ट चरण जो है आपका 24 तारीख को ही, यानी 24 अक्टूबर को ही आपका 3 घंटे का पेपर होगा और वही 2:30 बजे से लेकर 5:30, यानी 2 शिफ्ट हैं ओनली। एक तो है 8:30 से 11:30, दूसरी शिफ्ट है आपकी 2:30 बजे से 5:30। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कितने फॉर्म गए हैं दोस्तों। 15,67,000 आवेदन गए हैं, 15,67,000 समथिंग 16 लाख आवेदन पहुंचे हैं। हो सकता है कि इनमें से 2 या 3 लाख नहीं बैठेंगे एग्जाम में, इतने ज्यादा तो खैर एब्सेंट नहीं होते, लेकिन 1-1.5 लाख तो होते ही एब्सेंट और उतने ही विद्यार्थी यहां पर बैठेंगे। पोस्ट कितनी है, तो पोस्ट थोड़ी बढ़ चुकी है इस बार, 900 पोस्ट के समथिंग लास्ट में बढ़ा दी थी। तो यहाँ पर जो है 5,378 पोस्ट है, तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है। भाई हम बात करें एडमिट कार्ड कब तक जारी होंगे, तो ऐसा आ रही है सूचना, ऐसी मिल रही है कि भाई एडमिट कार्ड एग्जाम से 7 या 8 दिन पहले आपके जारी हो जाएंगे। तो लगभग 7-8 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, सेंटर आप देख लेना। इसके अलावा पेपर तो आपका जल्दी है सुबह 8:30 बजे, तो आपको एक दिन पहले निकलना पड़ेगा। तो आप माने कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो 23 को नहीं 22 को ही है, क्योंकि 22 का दिन भी आपका ख़राब होगा, उसी दिन आपको जाना होगा। तो लगभग दोस्तों 20 या 22 दिन बचे हुए हैं, कम नहीं होते 20-22 दिन रिवाइज करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए और क्रैश कोर्स करने के लिए एक सफिशियंट टाइम है 20-22 दिन, उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने पहले से ही प्रिपरेशन जारी रख रखी है, या उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन दे रखे हैं, तैयारी उनकी है, बस उनको जो है रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करनी है। तो बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं आप, और तैयारी कहाँ से कर पाएंगे, तो ऑनलाइन माध्यम पर कर पाएंगे, ऑफलाइन में समय ज़्यादा वेस्ट होगा आपका। तो ऑनलाइन तैयारी करने के लिए आप अनअकैडमी ऐप से जुड़ सकते हैं। RPSC कैटेगरी का काफ़ी सारे टीचर्स हैं जो स्वयं RAS बन चुके हैं, काफ़ी सारे RAS फैकल्टी है जो पढ़ा रहे हैं, जैसे कपिल चौधरी सर, वो राजस्थान के ही हैं और उन्होंने क्रैश कोर्स लॉन्च कर रखा है राजस्थान RAS के लिए, पटवार के लिए, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे कोर्स चल रहे हैं पटवार के लिए, टेस्ट सीरीज चल रही है, वो आप ज्वाइन करें, उसके लिए अनअकैडमी पर आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरी क्लास लेना चाहते हैं, अब जो मेरी क्लास तो खैर SSC वाले बच्चे लेंगे, लेकिन जो SSC वाले बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो स्टैटिक GK की तैयारी कर रहे हैं, या पटवार में भी काफ़ी ज़्यादा पोर्शन है, लगभग 38 क्वेश्चन स्टैटिक GK के आने वाले हैं, तो वो स्टैटिक GK मेरी क्लास से कवर कर सकते हैं। रेगुलर मेरी क्लास हो रही है सुबह 8:00 बजे, उसके बाद 11:00 बजे, फिर शाम को 8:00 बजे। तो यहाँ पर जो है कल सुबह 8:00 बजे 1 अक्टूबर को मेरी स्पेशल क्लास होने वाली है, जिसमें मैं स्टैटिक GK आपको पढ़ाने वाला हूँ। कुछ लगभग 60 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, जिसमें महत्वपूर्ण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो कल सुबह 8:00 बजे की क्लास जरूर ज्वाइन करें। क्लास का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करना, क्लास ओपन हो जाएगी, फ्री स्पेशल क्लास है, कोई भी बच्चे
बच्चा उसको ले सकता है। अपकमिंग क्लासेस के लिए आप मेरी प्रोफाइल पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। तो जितनी ज्यादा आप मेहनत कर सकते हैं उतनी ज्यादा मेहनत कीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं आएगा। 5378 पोस्ट कम नहीं है, बहुत ज्यादा पोस्ट है, और हो सकता है कि पता नहीं कब ये एग्जाम वापस से आए पटवार की, क्योंकि हर साल तो निकलती नहीं है, 2-3 साल में एक बार ये वैकेंसी आती है। तो आप तैयारी करें। इसी प्रकार की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।